गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका यूनिट वन सेशन वन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप होता है। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडिया एंड बिलीफ बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू कंटिन्यूअस एक्टिविटी of speaking, listening and understanding। अब method of communications की बात करते हैं। तो method of communications में verbal, non-verbal और verbal visual communications होते हैं, ठीक है। verbal communications क्या होता है कि verbal communication is the most popular means of sharing information of ideas, ठीक है। verbal communication में आ गया आपके verbal communication is the most popular means of sharing of idea, okay। अब there are two primary medium of verbal communication, oral communication, written communication। oral communication is the most common medium of communication। it refers to spoken words being used to convey a message। effective oral communication is a two-way process and involves both speaking and listening, ठीक है। तो दो तरीके का communication होता है, ठीक है, oral communication and written communication, ठीक है। oral communication में आप ये इसमें जो medium of communication होता है ना, ये common होता है and it refers to spoken words, है ना। spoken मतलब इसमें हम spoke करके बोल कर हम आपस में मैसेज आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है, मतलब दोनों साइड से प्रोसेसिंग होना चाहिए। इन्वॉल्व बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों तरफ से अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी तब दोनों साइड से है ना कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इसमें इन्वॉल्व है ना, उसमें एक तो स्पीच, ठीक है, स्पीच, ठीक है। स्पीच क्या है? इज द मोस्ट एक्ट ऑफ डिलीवरिंग फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू द इंटेंडेड ऑडियंस, ठीक है। फिर सेकंड में वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी ये कॉम्पिटेंट ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन इज जज बाय क्या है, करेक्ट यूज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद रिदम्स हैं आपका, रिदम है ना, रिदम इज द इंटोनेशन, मतलब डेट मतलब क्या है इसमें, रिदम जो होगा, ठीक है, ये आपका एकदम जब आप बात कर रहे हो बिल्कुल रिदम में हो, है ना, मतलब कि एक जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आप अपनी बातों को एक रिदम में बोले, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका टोन और पिच, ठीक है, टोन जो आपका वॉइस जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप डिलीवर कर रहे हैं, है ना, वॉइस, तो ये आपका मतलब वॉइस में पावर होना चाहिए, ठीक है, वॉइस में पावर होना चाहिए, ठीक है। उसका जो टोन है वो सटीक होना चाहिए। फिर पिच, ठीक है, पिच भी क्या करता है, रेफर टू लाउडनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है, ऑफ स्पीकर्स वॉइस, ठीक है, ऑफ स्पीकर वॉइस का मतलब पिच जो है ये रेफर करता है कि उसका वॉइस लाउडनेस है कि सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो आप जब आप बात कर रहे हो तो ज़्यादा लाउडनेस में भी अगर बोलते हैं तो कर्कश आवाज लगने लगता है, ठीक है। तो आपको एक पिच को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशंस मतलब इन्वॉल्व होते हैं, स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम्स, टोन एंड पिच। टिप टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन है ना इम्प्रूव करने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं? तो रीड आउट लाउड, ठीक है, आप कोई चीज रीड कर रहे हैं तो लाउड कीजिए। मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग,
टेक नोट ऑफ द एरिया यू नीड टू वर्क ऑन, है ना। आप क्या कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए अपने ऑडियो वीडियो को, ठीक है। एक नोट्स तैयार कीजिए कि आपको कहाँ पे वर्क करना है, किस पार्ट पे वर्क करना है, ठीक है। आप जब उसको दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। टॉक टू पीपुल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट, है ना। एक चीज और कि हमेशा उन्हीं से बात कीजिए, है ना, जो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों से बात नहीं करना है। टॉक टू पीपल ऑन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट एंड टेक पार्ट इन द एक्टिविटी इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। आपको जो पब्लिक एक्टिविटी है उस वैसे कार्यक्रम में आप, है ना, हिस्सा लीजिए, वहां पे बोलिए, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रिटेन कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो रिटेन कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटेन वर्ड्स, राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिलायबल देन स्पीच। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स एटसेट्रा। दिस डेज मैसेंजर्स लाइक व्हाट्सएप, ईमेल्स एटसेट्रा आर ऑल्सो यूज बाई पीपुल टू कॉन्वे मैसेज। टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे एक्सपेंड योर वोकैबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स एंड फॉर्म सेंटेंसेज यूजिंग दिस वर्ड्स, ठीक है। लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, रीड रेगुलरली, इट गिव्स योर एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली, ठीक है, गिव एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज वर्ड्स अप्रिशिएटली। इम्प्रूव योर ग्रामर एंड यूज अप्रोप्रिएट टेंस एंड करेक्ट पंक्चुएशंस। ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, ओके। जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रखकर उसको राइट करेंगे, ठीक है, ओके। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना, दो और टाइप्स हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रूप में भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट, है ना, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये फॉर्म जो है बिल्कुल प्राइवेट होता है, ठीक है। एंड इट इज अंडरस्टैंड टू रिफ्लेक्ट अपन और अप्रिशिएट सम थिंग्स, इट इंक्लूड्स द साइलेंट कन्वर्सेशंस, ठीक है। जैसे इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आपका जो पर्सनल डायरी होता है ना, वो हो सकता है, या फिर ऑनलाइन जर्नल्स जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ सकता है, जिसमें कि हम अपने कुछ प्राइवेट बातों को उसमें शेयर कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कम्युनिकेशन होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, दो इसमें, है ना, दो लोग हो सकते हैं, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर वहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इंटरचेंज देयर रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर रिपीटेडली। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर्स व्हेन यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स, है ना, फैमिली और रिलेशंस। इट कैन बी कैटेगराइज फर्दर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इस हिसाब से इसमें डायनेमिक कम्युनिकेशन हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकते हैं एंड पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ओके, थैंक्स। अब हम बात करते हैं
सेकेंड पॉइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपेंस इन द सेंस ऑफ एनी ओरल और कंपोज वर्ड्स. इंस्टेड ऑफ रिटन इन ओरल वर्ड्स इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट्स लाइक बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, इमेज, सिग्नल्स, चार्ट्स एंड सो ऑन टू एक्सप्रेस सेंटीमेंट्स, एटीट्यूड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा जो कम्युनिकेशन ओरल जो है ओरल या कंपोज वर्ड इंस्टेड ऑफ रिटन है ना, ये भी इसमें नकारात होता है, नहीं होता है. ठीक है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारा बॉडी मूवमेंट्स या गेस्चर्स हैंड मूवमेंट्स जो होता है या फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, सिंबल्स, इमेज है ना, या सिग्नल्स, चार्ट, इन सब चीज़ों से हम इसमें कम्युनिकेशन करते हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम एंड द वर्क प्लेस. ठीक है, इट शो हाउ टू लिसन, लुक एंड रिएक्ट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद योर क्लासमेट्स और कोवर्कर्स. ठीक है, इसमें ओके अब हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशंस की. द कॉन्वे ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू द आई टू एज विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन इज द मोर इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस. ठीक है, ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस इमेज वेरी क्विकली. क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग एज द ह्यूमन माइंड ऑफ प्रोसेसेस इमेज वेरी क्विकली. देयरफॉर वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल बाय यूजिंग विजुअल एड्स है ना, सच एज साइन, ग्राफिक्स डिजाइन, डायग्राम, फिल्म्स, पोस्टर्स, बुक्स, टाइपोग्राफी, स्क्रीन बेस्ड मीडिया, मैप्स, चार्ट्स, चार्ट पेपर, हैंडआउट एंड क्वायरली जीआईएफ्स एटेक्स्ट्रा. तो विजुअल कम्युनिकेशंस में जो चीज़ हम विजुअली है ना, अपनी आंखों से जब कोई चीज़ देखते हैं है ना, जैसे फिल्म नहीं देखते, अगर फिल्म को देख लिया जाए तो आपको पूरी स्टोरी याद हो जाती है. ठीक है, उसी तरीके से पोस्टर्स या आपको ग्राफिक सिंबल्स, सिग्नल्स ये सब लगे रहते हैं, तो वो जब हम आप से देखते हैं है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाता है. ठीक है, ओके. तो ये आज हम लोग ने पढ़ा है ना, मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस. ठीक है, उसमें ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आज हम लोग पढ़े वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन. ओके, थैंक्स.